नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर आस्था मित्तल। आज हम बात करेंगे कि लड़कियां हंस मैथुन कैसे करती हैं। इसके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको बता देना चाहती हूं कि यदि आपने इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब का बटन है। बिना समय गवाए हुए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहां हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स डालते रहते हैं, जैसे लड़कियों को कौन सी सेक्स पोजीशंस पसंद हैं, बिना रुक के 30 मिनट तक संभोग कैसे किया जा सकता है, अपनी यौन शक्ति कैसे बढ़ाई जा सकती है आदि, और बहुत सारे सेक्स के बारे में इंटरेस्टिंग टॉपिक भी हम यहाँ डालते रहते हैं जो हिंदी में ही होते हैं और बिल्कुल ही फ्री होते हैं। तो बिना समय गवाए हुए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। लड़कियाँ भी हंस मैथुन करती हैं। हंस मैथुन की आदत सिर्फ लड़कों को ही नहीं बल्कि लड़कियों को भी होती है, और लड़कियां लड़कों के बराबर नहीं बल्कि उनसे आगे ही हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। इसके लिए लड़कियों के पास कई तरीके होते हैं, तो आइए जानते हैं उन तरीकों के बारे में जो लड़कियां अपनाती हैं अपनी सेक्सुअल संतुष्टि के लिए। इसमें लड़कियों को अधिक सावधानी बरतनी चाहिए और किसी भी वस्तु के इस्तेमाल से पहले ये ज़रूर सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वो वस्तु योनि के अंदर ही ना रह जाए या योनि में आंतरिक चोट ना लग जाए। लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई हो या जिनका कोई प्रेमी नहीं होता जिसके साथ वो सेक्स कर सकें, ऐसी लड़कियां अपनी योनि में तेज पानी की धार छोड़ती हैं या नल के नीचे अपने अंगों को करके अपनी उत्तेजना को शांत करने की कोशिश करती हैं। अपने यौन अंगों में किसी चिकनी और बेलनाकार वस्तु का प्रयोग करती हैं, जैसे लंबे बैंगन, मूली, गाजर, खीरा, पेंसिल, पेचकस का पिछला हिस्सा आदि। कम उम्र या पहली बार हंस मैथुन करने वाली लड़कियां ज़्यादातर अपनी उंगलियों और पेंसिल जैसी वस्तुओं का प्रयोग करना ज़्यादा पसंद करती हैं। शादीशुदा लड़कियां या प्रेमी वाली लड़कियां भी हंस मैथुन करती हैं। अक्सर जब लड़कियां अपने पार्टनर से असंतुष्ट रहती हैं या उनकी सेक्स की चाहत बहुत अधिक होती है तो उन्हें हंस मैथुन का सहारा लेना ही पड़ता है। जिन महिलाओं के पति उन्हें संतुष्ट करने में असफल रहते हैं या पति किसी यौन रोग से पीड़ित हो जाते हैं तो ऐसी स्त्रियों को मजबूरन हंस मैथुन का सहारा लेना पड़ता है। लड़कियां कई तरीके अपनाती हैं, जैसे अपनी जांघों को कसकर इस प्रकार दबाव बनाकर अंगों को रगड़ती या दबाती हैं जिससे उन्हें संतुष्टि मिलती है। दरअसल ये कहना कि लड़कों को ही उत्तेजना अधिक परेशान करती है ये सोचना गलत है। लड़कियों को भी यौन उत्तेजना परेशान करती है और उन्हें भी अपनी उत्तेजना शांत करने के लिए कोई ना कोई तरीका अपनाना ही पड़ता है। कई लड़कियां अपनी उत्तेजना की अधिकता के कारण अनैतिक संबंध बनाने, कॉल गर्ल बनने से भी गुरेज नहीं करती, जिससे उन्हें उत्तेजना शांत करने के साथ साथ पैसे कमाने का आसान जरिया भी मिल जाता है। बड़े शहरों में ये बहुत अधिक देखने को मिलता है। हंस मैथुन सेक्स उत्तेजना को शांत करने का एक तरीका है जो सदियों से चला आ रहा है, पर इसकी अधिकता से कई तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं, इसलिए इससे बचने का ही प्रयास करना चाहिए। आजकल कई देशों में महिला सेक्स टॉयज उपलब्ध हैं जो लड़कियों की सेक्स ड्राइव को शांत करने में मदद करते हैं, जैसे वाइब्रेटर्स, डिल्डो इत्यादि। ये सेक्स टॉयज सेफ मटेरियल के बने हुए होते हैं। इनकी शेप भी पुरुष के लिंग की तरह ही होती है, इसलिए इनका प्रयोग ज़्यादा आनंददायक और सुरक्षित होता है। हंस मैथुन करना कई लड़कियों के लिए खतरनाक भी साबित हो चुका है। कई बार लड़कियों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें टूटकर अंदर ही फंस जाती हैं, जिन्हें निकालने के लिए उन्हें पीड़ा सहनी पड़ती है और मेडिकल हेल्प का सहारा लेना पड़ता है। कई बार आंतरिक चोट के कारण कष्ट भी झेलना पड़ता है, इसलिए इसमें हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। अधिक हंस मैथुन से योनि ढीली पड़ सकती है और आगे चलकर यौन रोग जैसे उत्तेजना महसूस न होना, पति से संतुष्ट न होना, पति को संतुष्ट न कर पाना जैसी परेशानियां आ सकती हैं और पारिवारिक संबंधों में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो मेरा इस वीडियो का मकसद केवल ये है कि यदि आप एक महिला हैं और हंस मैथुन करती हैं तो आपको लड़कों की अपेक्षा अधिक सावधानी बरतनी होगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें और इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मेरी हेल्प करने के लिए आप इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और गूगल प्लस पे ज़रूर शेयर करें। और यदि आपको और किसी वीडियो की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।